लाहौर से एबटाबाद बस जा रही थी। जब बस स्टेशन से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, कोई भिखारी या गदागर नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मौजी मरस से अल्लाह को प्यारी हो गई। कुछ दिन गुजरे और मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। मैं दरामद और बरामद का कारोबार करता हूं। मेरा तैयार शुदा सारा माल जलकर खाक हो गया। फिर कुछ दिन गुजरे कि मुझे दिल का दौरा पड़ा। रिश्तेदारों ने जब यह महसूस किया उसके बुरे दिन आने लगे, उन्होंने मुझसे राब्ता खत्म कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की जमानत कम कर दी। ये जवान बेटी है, कोई इसके दामन असमत को तार तार ना करे, यही गम ज्यादा खाए जा रहा है। और उस शख्स की हिचकी बंद हो गई। जवान साला लड़की जो पास में बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बिठा दिया। बस की पिछली सीट से आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, इसका निकाह हो चुका है, और दूसरा ये जो उस शख्स के आगे बैठा हुआ है इंजीनियर है, उसके लिए दुल्हन की तलाश है। मैं उस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी बेटी का निकाह मेरे उस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि इस बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। लड़का कड़ा हो गया और कहा, मुझे रिश्ता कबूल है। बस में मौजूद एक मौलवी साहब खड़े होकर कहने लगे, यह सफ़र बहुत मुबारक सफ़र है, निकाह जैसा मुकद्दस अमल होने वाला है, वो भी सफ़र में, से अच्छी बात क्या होगी। अगर लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं निकाह पढ़ा दूं। सब कहने लगे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। एक और साहब खड़े हो गए और कहने लगे, मैं छुट्टी पर जा रहा था अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अमल को देखकर समझता हूँ कि लड्डू इधर ही तकसीम कर लूँ। उसने दुल्हन के बाप से मुखातिब होते हुए कहा। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मियाँ 5 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुँह मीठा कर ले। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही सब मुसाफिर सो गए। ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 8 बजे थे, मगर दुल्हन और दुल्हा उन दोनों के बाप, मौलवी साहब और लड्डू बांटने वाला बस से गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना घड़ी ना चैन पैसा बल्कि कुछ भी नहीं था। उनको ये 6 मेंबर्स का ग्रुप मुकम्मल तौर पर लूट चुका था। अगले इलेक्शन में पाकिस्तानी कौम के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों, यही है आज की वीडियो, और इस वीडियो से हमें क्या सबक मिलता है जरा सोचिए और फैसला कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।